गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो मेरा आज का व्लॉग है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो हाँ जी, तो ये होने वाला है मेरा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का पार्ट टू, और होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वो वीडियो अच्छा लगा है तो कोई नहीं, ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी हम लोग है कानपुर में और अभी बज रहा है रात का 11, और कानपुर में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ ना 18 डिग्री है भाई यहाँ पे टेम्परेचर। बाहर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना ज्यादा ठंड लग रहा है। और एक्चुअली अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी अच्छा खासा ठंड होगा अभी, क्योंकि अभी बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है तो ठंड तो भाई अच्छा खासा होगा ही। देखते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ कुछ कर लेंगे। गुवाहाटी में मेरा प्लान है जैकेट खरीदने का, अगर कहीं मुझे टाइम मिला तो। वैसे आज का जो जर्नी है ना, मैं सोच रहा हूँ गुवाहाटी तक दिखाऊं, क्योंकि गुवाहाटी हम लोग परसों तक पहुंचेंगे। बाकी तो कल सारा दिन मैं ट्रेन में हूँ, और ट्रेन से मुझे याद आया मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में। ये नॉर्थ ईस्ट का टूर है, इसलिए इस टूर का नाम रखा गया है नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी। ये जो है मेरा 40 नाइट्स एंड 15 डेज का पैकेज है। ये पैकेज मुझे कितने का पड़ा मैंने सब कुछ इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। कोई नहीं, ये वीडियो एंड होने के बाद आप लोग जाके वो भी देख लेना। फिलहाल अभी हमारा ट्रेन कानपुर से निकल चुका है, अब इसके बाद शायद ये लखनऊ रुकेगा और वही शायद उसका लास्ट बोर्डिंग पॉइंट होगा। कुछ कुछ इसका बोर्डिंग पॉइंट है तो जो जो मुझे पता चल रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। पता नहीं लखनऊ तक मैं जगह रहूंगा कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे रेस्ट करना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इसके बाद जब भी मैं सो के उठता हूँ अगर कुछ अच्छा दिखाने का रहेगा तो जरूर दिखाऊंगा, बट सोने से पहले एक बार मैं अपने इस कूप को दिखा देता हूँ। तो ये अपना कूप है, और ये जो देख रहे हो ये सबसे मेन चीज है, तो यही हो रहा है देख लो अपना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी। टूर प्राइस वगैरह देख लो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो ये जो टूर का क्या प्राइस है क्या नहीं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्लान है मेरा जो कि आने वाले टाइम में आप देखोगे। अक्षय भाजी सो गए जगह? अच्छा अच्छा, चलो जी वीडियो एडिटिंग का काम चालू है। और भाई बढ़िया सब, अभी तक कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना, ये मेरा 3 साल बाद आज हम मिल रहे हैं। 3 साल बाद मिले हो अभी 15 दिन के लिए, वो एकदम और गहरी दोस्ती हो जाएगी। चलो अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट भाई। तो जाते हैं थोड़ा सा वॉशरूम हो आते हैं। तो देख लो जी कानपुर सेंट्रल से हमारा ट्रेन निकल चुका है, बाहर अच्छा खासा ठंड है। चलो जी बाय बाय कानपुर। देख लो जी ये इनका वॉशरूम है। इनके वॉशरूम का मुझे सबसे बेस्ट बात लगा कि यूरिन के लिए भी एक अलग से बना हुआ है, तो ये चीज काफी अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग जी, अभी देख लो सुबह का 6:52 हो रहा है। अभी आए थे नॉक करने के लिए, अभी आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। देख लो बाहर के नज़ारे सुबह सुबह। अभी हम लोग है जगत बेला में, और ये देखते ही देखते अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। यहाँ रहती है मेरी मासी। बहुत दिनों बाद मैं इस साइड में आ रहा हूँ, बहुत दिनों बाद। वैसे तो अभी गोरखपुर इंडिया का 2nd longest प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट कौन सा मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके बता दो। वैसे हमारा ट्रेन अभी गोरखपुर तो पहुंच चुका है। यहाँ ऐसे कोई बोर्डिंग पॉइंट नहीं है, ऐसे इसको रोका गया है शायद, यहाँ पे ड्राइवर चेंज होगा इसलिए। क्या हो गया? पायलट और गार्ड था, दोनों चेंज होते हैं यहाँ पे, और पानी की रिफिलिंग। अच्छा, पानी की रिफिलिंग भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रोका गया। अदरवाइज इसका कोई ऐसा बोल सकते हो टेक्निकल स्टॉप है यहाँ पे। आप में से काफी लोगों का कमेंट आता है मोहित भाई गोरखपुर आओ, आप हमेशा आप बोलते आओगे। आएंगे भाई, देख लो अभी गोरखपुर स्टेशन ही देख लो आप लोग। बस थोड़े दूर जाऊंगा, मेरी मासी का घर भी है। अभी मैं मासी से वीडियो कॉल में बात भी कर रहा था, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ जी, तो गोरखपुर से निकलते ही अभी टाइम हो गया हमारे ब्रेकफास्ट का, तो वही अभी नॉक करके गया ब्रेकफास्ट के लिए। वही अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, चाय भी नहीं पी हम लोग। हम बोले चलो एक बार जब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तभी चाय पी लेंगे। वैसे देख लो सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स आया हुआ था, बट नहीं अभी कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना है। यहाँ पे आपके टेबल पे ऑलरेडी बटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, केचप जैम। ये देख लो सबसे पहले आ गया अपना चाय। भैया ब्रेकफास्ट कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है? 8 बजे से। और मॉर्निंग टी? मॉर्निंग टी सर 6 से। मैं तो सोया हुआ था इसलिए मेरे को पता नहीं है, तो हाँ सुबह 6 बजे भी आएंगे ये चाय देने के लिए। उसके बाद 8 बजे इनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आप आ जाओ इनके रेस्टोरेंट में। चलो जी देख लो ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, दलिया। भाई दलिया देखकर मन खुश हो गया मेरा, एक्चुअली कुछ लाइट खाना था सुबह सुबह, दलिया मिल गया, और साथ ही कटलेट भी है। कटलेट भी देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है, और चाय तो खैर अपना प्रीमिक्स वाला चाय है। और मैडम ने बस ब्रेड लिया है और साथ में कटलेट है। और भाई तुम्हें मैं बता दूं ये जो ट्रेन है ये प्योर वेज है, अंदर बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं चलता है। तो चलो बाहर के नज़ारे देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। सबसे पहले पीते हैं अपना चाय। वाह, वैसे तो ये प्रीमिक्स वाला ही चाय है लेकिन बढ़िया लग रहा है। वैसे एक और चीज़ है, बाहर का नज़ारा देखते हुए ब्रेकफास्ट करने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो चलो अभी दलिया भी मिला है तो दलिया भी दिखाते हैं कैसा है। देखकर तो बढ़िया लग रहा है दलिया, थोड़ा सा दलिया में बटर मिक्स। नहीं ऐसे ही बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया यार। सुबह सुबह अगर ऐसा लाइट ब्रेकफास्ट मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। वैसे कटलेट भी है, और बाय द वे मैं बता दूं, ये जो दलिया देख रहे हो, कटलेट देख रहे हो, सब कुछ इस ट्रेन में ही बना है, कुछ भी बाहर से आया नहीं है। कटलेट देखकर तो बढ़िया लग रहा है। भाई कटलेट भी बहुत बढ़िया है, केचप के साथ तो और भी मजा आएगा इसको खाने में। ओवरऑल बढ़िया है ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा लगा मेरे को इनका, सिंपल और टेस्टी, प्योर वेज। भाई साहब ब्रेकफास्ट हो गया अपना कंप्लीट, भाई मजा आ गया। और अभी देख लो हम लोग स्किप किए भटनी स्टेशन, और भाई दलिया तो एक नंबर था, मजा आ गया। कटलेट भी बहुत अच्छा, चाय भी बहुत अच्छा, ओवरऑल ब्रेकफास्ट खा के मजा आ गया। और इस ट्रिप में शायद आपको दिखेगा मैं प्योर वेज खाना खाने वाला हूँ, मैं ट्राई करूंगा वेज खाना ही खाने का पूरे ट्रिप में। क्यों, कैसा लगा ब्रेकफास्ट? भाई ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया लगा, स्पेशली दलिया दलिया खा के। भाई कटलेट भी बहुत अच्छा था, खाया आपने? बहुत बढ़िया कटलेट, बहुत अच्छा था। और मैंने सुना है एक शताब्दी चलता है मुंबई टू अहमदाबाद वाले रूट में, स्पेशली लोग वहाँ पे कटलेट खाने जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। उस कैटेगरी का कटलेट जो कैटरिंग है ना, की है, कैटरिंग है, अच्छा, वो शेफ वहाँ बनवाते थे। ओ भाई मजा आ गया, मजा कटलेट आ गया ना खा के। कटलेट ब्रेड देखा, रोस्ट करके मिली आपको? नहीं मैंने वो ब्रेड लिया ही नहीं, मैं बस दलिया खा के मेरा मन मर गया। मैं बोला भाई यही हो रहा है इसका मेरा ब्रेकफास्ट, कॉफी चाय सब कुछ हुआ। कितने ऑप्शन है देखो। अभी वैसे ट्रेन देख लो हमारा सिवान जंक्शन में रुका हुआ है, और मैं तो कर रहा था एडिट, और अभी आया देख लो उन्होंने दो कैब दिया है हमें और दो अम्ब्रेला भी है, ये सही है क्योंकि बाहर कभी कभी धूप है, कभी बारिश हो जाए, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं भाई इस छाते का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट वहाँ हो रहा है अभी जम के बारिश। डोलेस भाई गुड मॉर्निंग, हो गया अपलोड? हाँ मेरा अपलोड हो गया, मेरा ये सिम में काफी अच्छा हो रहा है, एयरटेल के सिम में करो प्रीपेड नहीं हो रहा फिलहाल। अभी अपना ट्रेन रुका हुआ है सिवान जंक्शन पे, तो सिग्नल रेड है इसलिए यहाँ पे अभी रोक दिया गया है। और भाई मैं तो एडिटिंग कर रहा था अंदर, जैसे ही बाहर देखा तो मैं देखा छपरा जंक्शन अपना जो ट्रेन है स्किप कर रहा है, अब इसके बाद शायद ये बरौनी रुकेगा वो भी दिखाएंगे आपको। तो देख लो अभी मैं आकर एडिटिंग पे लग गया हूँ, और यहाँ पे अभी कोई तो स्टेशन में हमारा ट्रेन रुका हुआ है, परमानंदपुर में हमारा ट्रेन रुका हुआ है। और टाइम की बात करूँ तो अभी देख लो 1 बज रहा है, लंच के लिए हमारा बुलावा आ गया है, लेकिन मैं बोला अभी नहीं जाएंगे, 1:30 बजे तक जाएंगे लंच करने के लिए। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ इनके रेस्टोरेंट में लंच के लिए, इन्होंने हाफ एन आवर पहले ही बोला था, लेकिन अभी अपना काम चल रहा था इसलिए मैं बोला चलो कोई नहीं थोड़ा लेट करके जाएंगे, तो अभी फिलहाल आया हूँ मैं। हाँ जी, तो अभी टाइम देख लो 1:45 हो रहा है और मैं आ गया हूँ लंच करने के लिए, तो यहाँ बैठ गया हूँ मैं, इसको ऊपर करना थोड़ा, तो बस मस्त बाहर का नज़ारा देखते हुए लंच इंजॉय करेंगे अपना। और अभी हम लोग वैसे बिहार में, आज का अपना लंच बिहार में करेंगे। तो लो जी अभी हम लोग लंच करने बैठे ही थे तभी आ गया हाजीपुर, कितने दिनों बाद ये प्लेटफॉर्म सबको देख रहा हूँ मैं। पहले तो गोरखपुर आना जाना लगा रहता था मासी के पास, तब देखता था मैं, अभी जाना होगा, अभी ये वाला ट्रिप खत्म करते ही मासी के पास जाएंगे, अपने कजन से मिलेंगे, गोरखपुर घूमेंगे और आप लोग को ही घुमाएंगे। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो हाजीपुर से देख रहे हो, हाय हेलो आप सभी को। ये लंच का सबसे पहले शुरुआत हुआ है सैलेड से, वैसे सूप का ऑप्शन था बट हम लोगों ने बोला नहीं अभी सूप नहीं पीना है हमें, डायरेक्ट लंच लेकर आ जाओ। धन्यवाद। खाना सर्व करने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा मेरे को ये रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट। बाकी अभी थोड़ा मम्मी से वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं। तो देख लो भाई पालक पनीर, वाह भाई देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है, पालक पनीर राइस है, दाल है, पालक पनीर है और मिक्स सब्जी एक है, और दाल देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है इसलिए मैं बोला चलो दाल दे दो भैया, थोड़ा ही देना भैया ये भी। तो देख लो ये चुकंदर का पराठा है, और वैसे प्लेन रोटी भी है, और साथ में ये मिक्स सब्जी सैलेड पालक पनीर दाल, टेस्ट कर लेते हैं फिर आपको बता देंगे कैसा है ये। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये चुकंदर का पराठा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, मिक्स सब्जी के साथ ये भी बहुत अच्छा है, देखते हैं पालक पनीर के साथ कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, और स्पेशली ये पालक पनीर मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया ये पालक पनीर खा के। वेज में ही अगर अलग अलग टाइप का खाना भी रहे ना मजा आ जाता है, ओवरऑल अच्छा लगा मुझे ये लंच। तो ये बाहर के नज़ारे देखते हुए लंच अपना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं अभी हम लोग। ये पराठा मेरे को इतना अच्छा लगा ना, चुकंदर का पराठा बहुत अच्छा लगा, ये मैंने दोबारा लिया है। पालक पनीर तो भाई साहब एक नंबर, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा सिंपल खाना,
टेस्टी खाना बिना अनियन गार्लिक का, इतना बढ़िया खाना। और ये वाला जो फ्रूट योगर्ट मैंगो फ्लेवर है ना, ये तो भाई साहब एक नंबर है, ये जरूर ट्राई करना। हाँ जी, तो लंच करने के बाद मैं चला गया था फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो लंच के लिए बुला लिया था ना, इसलिए मैं निकल गया था, नहीं तो पहले मैं फ्रेश होता उसके बाद ही जाता लंच करने के लिए। मस्त एकदम शावर वगैरह लेकर आ गया हूँ, और जैसे मैं आया देख रहा हूँ बरौनी अपना जो ट्रेन है एंटर कर रहा है। एक काम करते हैं, जाते बाहर, बाहर से दिखाते हैं आपको। वेलकम टू बरौनी। बरौनी मैं सो गया था। सो गए थे? मैं शावर वगैरह लेकर पूरा एकदम रेडी, आधा घंटे का नैप लिया, मजा। ऑल राइट, तो अभी शाम का बज रहा है 5 और हमारा ट्रेन रुका है अभी खगड़िया जंक्शन में। शाम का 5 बज रहा है अभी। तो लो जी, हमारा ट्रेन निकल चुका है खगड़िया जंक्शन से। हाँ जी, तो खगड़िया से निकलने के बाद अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 5:17 हो रहा है, और ऑलरेडी हमारा स्नैक्स स्टार्ट हो गया था। जैसे मैं अपने कूप में आया तो अक्षय पाजी बोले कि चलो मोहित भाई स्नैक्स का टाइम हो गया है, तो वही अभी हम लोग आ गए इनके रेस्टोरेंट में। तो दिखाते हैं कि आज स्नैक्स में क्या क्या सर्व किया जा रहा है। और ये अभी सर्व किया जा चुका है हमारा स्नैक्स, जिसमें सैंडविच एक है, पकौड़े हैं, और ये ब्रिटानिया का केक, और साथ में चाय। भैया चाय लगा दो थोड़ा। पकौड़े सर्व किए गए हैं, देखते कैसा है। बढ़िया, जो फ्रेंच फ्राइज होता है ना वही है, उसको अच्छे से तेल में तला हुआ है, ऊपर से चाट मसाला लगा कर दिया गया है, लेकिन बढ़िया लग रहा है, जो भी बोलो अच्छा है। शाम के टाइम के लिए पकोड़े और साथ में चाय मिल जाए तो क्या ही कहने। चाय अभी आ रहा है अपना। स्नैक्स करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ इनके गेट पे, काफी बढ़िया बाहर में सनसेट हो रहा है, यही दिखाने के लिए। बस थोड़ा देर में बाहर डार्क हो जाएगा, कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगा मैं। हाँ जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन, और यहाँ हमारा ट्रेन पहुंचा है लगभग शाम के 7:30 बजे। वैसे कटिहार में मेरा ये फर्स्ट टाइम है, कभी शायद मैंने इस वाले रूट में जर्नी भी नहीं किया है ना, इसलिए। और पानी शायद फुल हो चुका है इसलिए बाहर आ रहा है पानी। अभी देख लो सभी इंटरनेट के लिए, मतलब सभी का सर दुख रहा है, रेल वायर वाईफाई वगैरह, मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए। चलती ट्रेन में वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, भाई बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। कोई नहीं, ये अपना काम है, मजा आता है करने में, इसलिए करते हैं। चलो जी, सिग्नल हो गया, चलते हैं अंदर। अब तो ये ट्रेन हमारा निकल चुका है कटिहार जंक्शन से। जैसे ही ट्रेन हमारा कटिहार से निकला, वैसे भी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:21 हो रहा है। कटिहार से निकलने के बाद हमारा डिनर के लिए कॉल आ गया, वही अभी जा रहा है डिनर करने के लिए। देखते हैं आज अपने डिनर में क्या क्या है। भैया पानी डाल दो यार, सूप पीना है। तो देख लो अभी मैं आ गया हूँ डिनर करने के लिए, तो यहाँ पे मस्त अपना पानी वानी ऑलरेडी रखा हुआ है। ये देख लो, पिकल है, जैम है, सब कुछ है, और ये अपना नॉर का टोमेटो सूप। इसके बाद आएगा अपना डिनर, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे देख लो अंदर का कुछ ये माहौल है। खाना खाने से भी ज्यादा असली मजा पता है किसमें है, खाना सर्व होता हुआ देख के, क्लास लग्जरी। तो भाई चलो अपना सूप पीते, पी तो रहे हम लोग वैसे 10 रुपए वाला ही नॉर का सूप, लेकिन फील पूरा एकदम राजा महाराजा वाला है। ये आते ही देख लो मस्त अपना प्लेट कटोरा वगैरह लग चुका है, देखते हैं आज अपने डिनर में क्या है। ओ भाई साहब आज देख लो स्प्राउट है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है। तो देख लो जी आज मेन्यू में लच्छा पराठा है, पनीर मखनी दाल है जी, ये दाल भी आ गया साथ में, ये है लौकी चना, लौकी चना दे दीजिए, ये मेरा फेवरेट है, लौकी चना भी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, राइस बाद में करें। हाँ राइस बाद में। तो देख लो भाई खाने पीने का वैरायटीज देखकर मैं खुश हो गया भाई, कोई भी ऐसा चीज, मतलब देखो दाल को साइड कर दो, कोई भी ऐसा चीज नहीं लगा कि भाई ये क्यों बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने भी देखा होगा वीडियो में, अभी देख लो स्प्राउट्स है, साथ में आलू वालू मिक्स चाट जैसा बनाकर दिया है, और लौकी आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी अलग से, ये पनीर भी अलग है, डिफरेंट टाइप का पनीर है, लच्छा पराठा, राइस का भी ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं पहले ये सब ट्राई करते हैं, बताते हैं टेस्ट कैसा है। ये होने वाला है हमारा आज का डिनर, लौकी चना का सब्जी है, लच्छा पराठा है, साबूदाना खिचड़ी है, ये दिखा दो, पनीर है, दाल है, हमारा फेवरेट फ्रूट योगर्ट है, और आज मैंने ब्लूबेरी लिया है। चलो जी सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये पराठा, और ये लौकी का सब्जी भाई मेरी मम्मी के हाथ का, मेरे को बहुत पसंद है। वाकई भाई मम्मी का बहुत याद आ गया। अभी देखते हैं ये पनीर मखनी कैसा है। खाने के मामले में मैं तो भाई 10/10 दूंगा इनको, वेज में भी इतना सारा वैरायटीज, मजा आ गया खाके, पनीर तो एक नंबर लग रहा है, ये लौकी तो मेरा फेवरेट हो गया, ये साबूदाना खिचड़ी भी है,
सब कुछ बहुत ही परफेक्ट बना है। ट्रेन में हम लोग बैक टू बैक हर टाइम खा ही रहे हैं, ट्रेन में हमारा बैक टू बैक खाना पीना चल रहा है, लेकिन हर बार आ रहा है ना कुछ नया मिल रहा है, तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा इस ट्रेन का अभी तक। ये पनीर है, दाल है, इसको छोड़ते हैं राइस के लिए, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। भाई आपने खाना खा लिया? भाई देखो हमारा खाना चल रहा है एकदम साबूदाना खिचड़ी दी गई है, सबसे अच्छी बात डाइट के लिए, और स्प्राउट्स भी। दाल में डिफरेंस है, जो दोपहर में दी गई थी जो अब दी गई है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कलर से भी पता चल रहा है तड़का थोड़ा ज्यादा लगा, तड़का ज्यादा लगाया हुआ है, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तड़का वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। बाकी ठीक है भाई, खाना एंजॉय करो आप लोग। दूसरा योगर्ट तैयार, एक बाजी का। चलो कोई नहीं, अपना डिनर एंजॉय करते हैं फिर निकलते हैं। पराठा इनका इतना बढ़िया था ना, वो ट्राई करने के बाद मैंने अभी राइस ले लिया, और राइस भी देखो नॉर्मल नहीं है, पुलाव बनाया है आज पनीर के साथ, तो भाई साहब एक नंबर लग रहा है। ये पनीर मखनी है भाई, तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहा है इसके साथ। पराठा में नॉर्मल पराठा का भी ऑप्शन था, चपाती का भी ऑप्शन था, मेथी का पराठा है। अच्छा, मेथी का पराठा भी था, नॉर्मल पराठा भी था, लच्छा पराठा भी था, और चपाती भी था। भाई इतना सारा ऑप्शन है, मजा आ रहा है खाना खा के, जो भी बोलो। गुड मॉर्निंग, कल रात में डिनर करने के बाद चले गए थे हम लोग एके भाई के कूप में, वहीं पे बैठ के थोड़ा बहुत गप सप चल रहा था, आगे का क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या प्लान है, वही सब हम लोग चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद चले गए सोने के लिए, और अभी सोकर उठे हैं, तो अभी हमारा ट्रेन रुका हुआ है। ये स्टेशन है चांगसारी, तो यहीं पे हमारा ट्रेन अभी रुका हुआ है। बस थोड़ी देर में हम लोग अभी गुवाहाटी पहुंचने ही वाले हैं। गुवाहाटी में हम सभी लोग करेंगे डीबोर्ड, फिर हमें होटल चेक इन करना है, बाकी आगे का जो भी अपडेट होता है मैं आपको दूंगा। बाकी अपना ट्रेन भी यहाँ पे काफी देर से रुका हुआ है, देखो कब यहाँ से निकलता है। और ये सुबह उठते ही उठते हमारा चाय भी आ चुका है, तो ये देख लो हम लोगों ने मसाला चाय लिया है, आज का जो चाय है वो आसाम में। और अभी अंदर में चाय पीने के लिए आ गया हूँ, और बाहर देख लो डिब्रूगढ़ राजधानी निकला है। अभी देख लो मैं स्टेशन के बाहर तो आ गया हूँ, मेरा वीडियो रेडी हो रहा था, फाइनली मेरा वीडियो रेडी हो गया है। अभी एक काम करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं फटाफट। और बहुत देर से अपना जो ट्रेन है ना चांगमारी में, तब से बोल रहा था ये जो स्टेशन है चांगसारी है, तो अपना जो ट्रेन है बहुत देर से ये चांगसारी में ही रुका हुआ है। नजारा देख लो, अभी से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एंटर कर गए हैं। इनक्रेडिबल इंडिया डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन, तो यहाँ पे देख लो स्टेशन पे उतर के व्लॉग अपलोड करने का काम चल रहा है, तो यही है भाई, अगर डेली व्लॉग कर रहे हो तो ये सब चीज भी एकदम टाइम टू टाइम करते रहना होगा। और मैक्सिमम जो पैसेंजर्स है ना सभी स्टेशन के बाहर आ गए, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ये देख लो, देखते ही देखते कोई एक और ट्रेन आ गया इस प्लेटफॉर्म पे, देखते कौन सा ट्रेन है। राजधानी एक्सप्रेस, अभी जाते हैं, ट्रेन रुका हुआ है, फ्रेश हो जाते हैं। अपना ट्रेन तो यहाँ पिछले डेढ़ दो घंटे से रुकी हुई है जी, तो अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ट्रेन अभी भी हमारा वही सेम स्टेशन में रुका हुआ है। अभी मैं देख लो इनके किचन के थ्रू जा रहा हूँ दूसरे रेस्टोरेंट में, तो इनका दो दो रेस्टोरेंट है। पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। आज क्या क्या है भैया? उपमा, उपमा है, कटलेट है, और चटनी कोकोनट चटनी। एक और दे दीजिए, एक और दीजिए, कोकोनट चटनी है आज। वाह भाई, आज भी ब्रेकफास्ट एकदम डिफरेंट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पे जूस भी आ गया है, देख लो। आज का जो चाय है ना प्रीमिक्स नहीं है, आज पेंट्री में बना हुआ चाय है आपके लिए स्पेशल। अरे भाई थैंक यू सो मच, चाय का कलर देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। बाकी इसके अलावा देख लो क्रोसेंट, ब्राउन ब्रेड, ये सब भी आ गया है। बाकी ये मेन अपना ब्रेकफास्ट, चलो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं अपना। चलो जी देखते हैं सबसे पहले उपमा कैसा है। बढ़िया, सबसे मेन कोकोनट चटनी भी है, देख लो नॉट बैड। चाय बहुत अच्छा है आज का चाय भाई, किचन में बना हुआ चाय है, वो प्रीमिक्स वाला चाय नहीं है, बढ़िया लग रहा है चाय। हाँ जी, तो अभी अपना हो गया है ब्रेकफास्ट कंप्लीट, और ब्रेकफास्ट करके वापस से अभी हम लोग स्टेशन में आ गए। पीछे देख लो चांगसारी स्टेशन, कोई एक ट्रेन आ रहा है अभी। गुवाहाटी बस पास में ही है, 35 किलोमीटर दूर है अभी हम लोग गुवाहाटी से। अभी जैसे ही ट्रेन यहाँ से निकलेगा आएगा सरायघाट ब्रिज, वो जैसे ही क्रॉस करेंगे हम लोग आ जाएगा कामाख्या, फिर आ जाएगा अपना गुवाहाटी। अपना जो गुवाहाटी पहुँचने का टाइम है ना वो है 11 बजे का, वहाँ पे होने वाला है हम लोगों का ग्रैंड वेलकम, और वो कैसा वेलकम होगा कैसा नहीं वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। फिलहाल ये ट्रेन देख लो, न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी। चलो इसी के साथ ये वाले वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। होप कि आप लोगों को मेरा ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का ये दूसरा पार्ट वाला वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी इनसे रिलेटेड सारा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट भी कर लेना। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगर यहां तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।